गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमारा नाइन्थ क्लास हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था, फर्स्ट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर के अंदर हमने लास्ट वीडियो देखी थी। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के बारे में कि किस तरीके से मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने स्ट्रिक्टली रूल वहाँ पर किया, और स्ट्रिक्टली रूल होने की वजह से क्या हुआ, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को ही क्या कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसको ही गुलेटाइन कर दिया गया था, जैसे कि आप लोगों ने देखा था। तो इससे क्या हुआ कि जो जैकोबिन का रूल चला था, जो 1903 से 1904 तक जो जैकोबिन का रूल चला, जिसमें मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने रूल किया, तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को क्या कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी कि जैकोबिन क्लब्स का जो रूल था वो खत्म हो गया एक तरीके से। क्लियर है? तो फॉल ऑफ द जैकोबिन क्लब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हमारा डायरेक्टरी रूल्स। जो फ्रांस के अंदर डायरेक्टरी रूल स्टार्ट हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डायरेक्टरी रूल क्या था, डायरेक्टरी क्या थी, किस तरीके से डायरेक्टरी ने रूल किया, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्लियर है? तो फॉल ऑफ द जैकोबिन क्लब, जैसे कि आपको पता था कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, उनको बुलेटिन कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो जैकोबिन क्लब्स का रूल चला था 1903 से 1904 तक, वो क्या हो गया, अब खत्म हो गया। क्लियर है? अब जब जैकोबिन क्लब्स का रूल खत्म हो गया तो पॉलिटिकली क्या है, वैक्यूम है। पॉलिटिकली क्या है, वैक्यूम में कोई भी शासक नहीं है, कोई भी शासन नहीं कर रहा है, कोई ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो क्या कर सके, उसके ऊपर शासन कर सके। तो उस चीज को, उस पॉलिटिकल वैक्यूम को किसने घेर लिया, वेल्थियर मिडिल क्लास ने। किसने, देखिएगा पहले भी मिडिल क्लास पे ही था रूल, लेकिन वो जैकोबिन क्लब्स पे, तो जैकोबिन क्लब्स के अंदर आपको पता है कि मिडिल क्लास ही थी, लेकिन मिडिल क्लास सॉरी थर्ड स्टेट्स के ही लोग थे, लेकिन थर्ड स्टेट्स के लोग कौन से थे, लोअर स्टेट आगे। क्लियर है? इसमें क्या है, थर्ड स्टेट्स के लोग हैं, लेकिन कौन से लोग हैं, मिडिल वेल्थियर क्लास वाले। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे, किस लोग, किन लोगों ने दोबारा से सत्ता को ले लिया, वेल्थियर मिडिल क्लास ने। क्लियर है? इन्होंने सत्ता को अपने हाथ में ले लिया, और जैसे इन्होंने अपने हाथ में सत्ता को लिया, इन्होंने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर फ्रांस के अंदर बनाया, एक और नया कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने फ्रांस के अंदर बनाया। और अब जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके अंदर इन्होंने डिनाइड द वोट ऑफ द नॉन प्रोपराइज्ड सेक्शन, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने जो वोट डालने का अधिकार था वो नॉन प्रॉपर्टी वाले लोगों से खत्म कर दिया। यानी कि आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, जिस समय नेशनल असेंबली थी तो इन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली वाले रूल को एक तरीके से स्टोर कर दिया। तीनों में डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा, नेशनल असेंबली के समय पर जो वोट डालने का अधिकार था वो एक्टिव सिटीजन्स को था, और एक्टिव सिटीजन्स को माना जाता था 21 साल से ऊपर, और जो 3 दिन का लोग कम से कम मिनिमम वेजेस, जो लेबर वेजेस होता था वो एज अ टैक्स के रूप में पे करते थे, उनको हम लोग क्या बोलते थे, एक्टिव सिटीजन। ये कब था, नेशनल असेंबली के समय पे। क्लियर है? उसके बाद में कन्वेंशन आता है, कन्वेंशन यानी कि जैकोबिन्स का रूल आता है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का रूल आता है, तो वो उस समय पर क्या कर दिया गया था कि सभी लोगों को जो 21 साल से ऊपर के थे उन सबको क्या कर दिया था, वोट डालने का अधिकार दे दिया गया था, आपको मैंने बताया था। क्लियर है? लेकिन अब क्या हुआ, जब वेल्थियर मिडिल क्लास के पास में पावर आई तो उन्होंने दोबारा से इसको न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और दोबारा से इस वोटिंग पावर को चेंज कर दिया। अब उन्होंने क्या कर दिया कि नहीं, अब सारे लोग वोट कर नहीं करेंगे, अब कौन लोग वोट करेंगे, सिर्फ वो लोग वोट करेंगे जिनके पास में फ्रांस के अंदर प्रॉपर्टी है, जिनके अंदर फ्रांस के अंदर प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट नहीं करेंगे। क्लियर हुआ यहां पर? आगे देखते हैं, एक इन्होंने एक क्या बनाई, इलेक्टेड लेजिस्लेचर काउंसिल बनाई। अब ये इलेक्टेड लेजिस्लेचर काउंसिल क्या है, ये आपको थोड़ा सा समझना है। क्लियर है? इलेक्टेड लेजिस्लेचर काउंसिल सेम वही जो मैंने आपको डायग्राम से समझाया था, मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था जिसके अंदर हमने बताया था कि एक्टिव सिटीजन इनको चुनते थे। मैं दिखा देता हूं आपको अभी एक बार, ये मैंने आपको दिखाया था कि इलेक्टर्स जो थे वो नेशनल असेंबली को चूज करते थे, ध्यान है ना, और नेशनल असेंबली किसको, नेशनल असेंबली किनको, मिनिस्टर्स को चूज करती थी, उनके ऊपर एग्जीक्यूटिव में कौन रहते थे, किंग रहते थे। क्लियर? तो ये जो नेशनल असेंबली थी, इस नेशनल असेंबली की जगह पे क्या आ गई, इलेक्टेड लेजिस्लेचर काउंसिल आ गई। क्या आ गई, इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि ये जो मिडिल क्लास के लोग थे इन्होंने क्या, ये लोग किसको इलेक्ट करते थे, लेजिस्लेचर काउंसिल को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये इलेक्ट करते थे। अब ये जो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी ये एक डायरेक्टरी को क्या करती थी, अपॉइंट करती थी, या एक डायरेक्टरी को चूज करती थी, और ये डायरेक्टरी एज अ एग्जीक्यूट के रूप में, एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करती थी। डायरेक्टरी एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, और इस डायरेक्टरी के अंदर कितने लोग होते थे, 5 लोग होते थे। दोबारा समझा रहा हूं एक बार, दोबारा समझिए,
वेल्थियर सेक्शंस के जो लोग होते थे वो क्या इलेक्ट करते थे, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट करते थे जो लेजिस्लेचर की जगह पे काम करती थी, और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल किसको इलेक्ट करती थी, किनको चुनती थी, डायरेक्टरी को। डायरेक्टरी क्या होता था, 5 लोगों का ग्रुप हुआ करता था। क्लियर है, इसको आप यहां से समझें कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को तो आप कहां पे लिख लें, नेशनल असेंबली की जगह पे, कि जो मेंबर्स थे वो किसको चुनते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल किंग की जगह पे, मिनिस्टर्स की जगह पे, इनको खत्म कर दीजिए, और इनकी जगह पे वो क्या किसको चुनते थे, डायरेक्टरी को, और डायरेक्टरी के अंदर कितने लोग होते थे, 5। दोबारा समझिए एक बार, वेल्थियर सेक्शन ने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर दिया गया, प्रॉपर्टीज नॉन प्रॉपर्टी मैन के वोट को खत्म कर दिया गया, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करेगी, डायरेक्टरी को चूज करेगी, उस डायरेक्टरी के अंदर कितने लोग होंगे, 5 लोग होंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, सर डायरेक्टरी के अंदर 5 लोग ही क्यों होंगे, तो देखिए आप ध्यान दीजिए कि फ्रांस रिपब्लिक तो पहले ही बन गया था, रॉबिस मैक्सिमिलियन रॉबेसप्री जब उसमें आए थे, रूल में आए थे, जब पावर में आए थे, तो उसी समय पर जो फ्रांस था वो क्या बन चुका था, रिपब्लिक कंट्री बन चुका था। क्लियर है, लेकिन वहां पर क्या गलती हो रही थी, वहां पर गलती ये हो रही थी कि जो पावर थी वो पूरी एक व्यक्ति के हाथ में दे दी थी, किसके हाथ में, मैक्सिमिलियन रॉबेसप्री। क्लियर है, ध्यान आया, वहां पर जो पूरी पावर थी वो किसके हाथ में दे दी थी, एक व्यक्ति के हाथ में दे दी थी। अब वो व्यक्ति कभी कभी क्या करता था, गलत कर सकता था। क्लियर है, तो इस चीज से फ्रांस के लोगों ने एक लेसन सीख लिया था, इस चीज से फ्रांस के लोगों ने एक लेसन सीख लिया था, उनके समझ में आ चुका था कि हमें क्या नहीं करनी है, पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं देनी है, हमें क्या करनी है, जो पावर देनी है वो 4-5 लोगों के बीच में, इसलिए डायरेक्टरी को बनाया गया और डायरेक्टरी के अंदर 5 लोगों को रखा गया। क्लियर है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ने किसको चुनते थे, डायरेक्टरी को, डायरेक्टरी एग्जीक्यूटिव रूम में काम करती थी, और कितने मेंबर्स होते थे इसमें, 5 मेंबर्स होते थे। क्लियर है, क्यों होते थे 5 मेंबर्स, क्यों होते थे, लेसन लर्न फ्रॉम वन मैन एग्जीक्यूटिव अंडर द जैकोबिन, यानी कि जैकोबिन के समय पर जो वन मैन एग्जीक्यूटिव का जो लेसन था वो किसने, फ्रांस के लोगों ने सीख लिया था, यानी कि हमें क्या नहीं करना, एग्जीक्यूटिव के रूप में किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं देनी है, ये लेसन उन्होंने सीख लिया था, इसलिए उन्होंने क्या किया, डायरेक्टरी बनाई, और डायरेक्टरी के अंदर कितने लोग थे, 5 लोग थे। क्लियर, अब ऐसा नहीं था कि ये डायरेक्टरी बन गई, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई और सारी चीज़ें ठीक हो गई, नहीं, फिर भी बहुत सारी दिक्कतें बनती रहीं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे। अब कॉन्फ्लिक्ट किन किन के बीच में चलते रहे वो आपको समझना है, कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और ये जो डायरेक्टरी थी, इन दोनों के बीच में क्या होते थे, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे। अब उसके पीछे रीजन क्या था कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों चलते रहते थे, कि डायरेक्टरी जो थी वो अपना अलग तरीके से रूल करना चाहती थी, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वो अपना रूल अलग तरीके से कराना चाहती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में और डायरेक्टरी के बीच में क्या होते रहते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे। अब जब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो डायरेक्टरी को कौन चूज कर रहा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल चूज कर रही है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या कर देती है, इस डायरेक्टरी को भंग कराया कर देती, यानी कि डायरेक्टरी कह रही है हम अलग तरीके से रूल करना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कह रही है नहीं आप इस तरीके से रूल कीजिए, डायरेक्टरी मान नहीं रही है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करेगी, डायरेक्टरी को रिजॉल्व कर देगी, फिर नए लोग चुनकर आएंगे, 5 लोग नए चुनकर आएंगे, डायरेक्टरी नई डायरेक्टरी बनेगी, फिर वो भी इस बात को कहेगी कि हम इस तरीके से रूल करेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल करेगा नहीं आपको इस तरीके से रूल करना है, तो फिर क्या होगा, फिर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और फिर दोबारा से उनको हटा दिया गया। तो इस तरीके का माहौल वहां पर चल रहा था फ्रांस के अंदर, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकली क्या चल रहा था, इनस्टेबिलिटी फ्रांस के अंदर चल रही थी। तो हमारा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डायरेक्टर्स एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफन रिजल्ट इन पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पूरी फ्रांस के अंदर चल रही थी। अब वही बात है, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, वैक्यूम रहेगा, कोई ढंग से रूल नहीं कर रहा है, कोई अच्छे से रूल नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर उसका फायदा कौन लोग उठाएंगे, जैसे यहाँ पर किसने उठाया था वैक्यूम का फायदा, वेल्थी मिडिल क्लास ने उठाया था, ऐसे ही यहाँ पर जो अब जो डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में जो क्या हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, उसकी वजह का उसका फायदा किसने उठाया, उसका फायदा उठाया नेपोलियन बोनापार्टे ने इसका फायदा उठाया। नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, मैं लास्ट वीडियो के अंदर आपको नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में बताऊंगा पूरा, कि कौन थे, क्या थे, ये एक मिलिट्री के जनरल थे और इन्होंने अपने आप को वहाँ पर एक डिक्टेटर के रूप में स्थापित कर दिया था, कहाँ पर, फ्रांस के अंदर। क्लियर है, तो हम वहाँ पर नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से इसका फायदा किसने उठाया, नेपोलियन बोनापार्टे ने उठाया, और उन्होंने वहाँ पर अपना डिक्टेटर रूल वहाँ पर लागू कर दिया। नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए अभी तक यहाँ तक आपके फ्रांस की पूरी स्टोरी खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद जो हम लोग वीडियो पढ़ेंगे वो हम लोग सेक्शन वाइज पढ़ेंगे,
यानी कि जो रिवॉल्यूशन हुआ उसमें वुमेन्स का क्या रोल था, जो रिवॉल्यूशन हुआ उसके अंदर स्लेवरी का क्या रोल था, वो चीजें पढ़ेंगे। जो कहानी थी, जो स्टोरी थी कि कैसे कैसे चीजें चेंज हुई, वो सब कुछ यहाँ तक खत्म हो गया है। क्लियर है? मैं एक बार दोबारा आपको पूरी स्टोरी आपको एक बार रिवाइज करता हूँ, शायद आप लोगों के चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों के एक बार समझ में आ सके। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, हमने ये देखा कि फ्रेंच सोसाइटी किस तरीके से डिवाइडेड थी। क्लियर है? हमने फिर ये देखा कि कौन वहाँ के राजा थे, लुई 16। हमने ये देखा कि वहाँ पर ट्रेजरी क्यों खाली थी, उसके पीछे रीजंस देखे हमने बहुत सारे ट्रेजरी खाली होने के। क्लियर है? उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सिर्फ ट्रेजरी खाली थी यही एक प्रॉब्लम नहीं थी, इसके साथ साथ सब्सटेंस क्राइसिस भी कहाँ पर फ्रांस के अंदर चल रहे थे, लोगों के पास में खाने की दिक्कतें हो रही थी, लोग अपनी नीड्स की चीज़ों को नहीं पा पा रहे थे। साथ ही हम लोगों ने देखा था जब ट्रेजरी खाली थी उसको भरने के लिए राजा ने क्या किया, राजा ने टैक्सेस को बढ़ाने की कोशिश की, टैक्सेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने 3 स्टेट्स की क्या बुलाई थी, मीटिंग बुलाई थी। 3 स्टेट्स की मीटिंग में जो 3rd स्टेट्स के लोगों थे उन्होंने किस चीज़ की डिमांड की थी, वोटिंग वोटिंग राइट्स को चेंज करने की डिमांड की थी। जब राजा ने उनकी बात को नहीं माना था तो उन्होंने उनको उनकी मीटिंग को बायकॉट करके वो कहाँ पहुँच गए थे, टेनिस कोर्ट्स पर पहुँच गए थे, और टेनिस कोर्ट्स पर जाके वो क्या बनाने लग गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लग गए थे। ध्यान है? फिर उसके बाद में क्या हुआ था, पैलेस के अंदर क्या हुआ था, खाने की दिक्कत चल रही थी, दिक्कत होने की वजह से राजा ने वहाँ पर अपनी आर्मी भेजी थी, और आर्मी की वजह से वहाँ पर क्या हो गया था, रिवॉल्ट होना स्टार्ट हो गया था, जगह जगह बैटली पे रिवॉल्ट कर दिया था, जो जमींदार थे उनके यहाँ पे क्या हो रहा था, अटैक हो रहा था, रिवॉल्ट हो रहे थे। तो इसकी वजह से राजा को ये समझ में आ चुका था कि अब सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, और राजा ने किस चीज़ को मान लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया था। जाने तो वहाँ पर क्या हो गई थी, फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाह चुकी थी। कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाना चाहती है तो क्या कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर दिया गया था, राजा की पावर्स को मिनिमाइज कर दिया गया था, राजा की पावर्स को लिमिटेड कर दिया गया था, जिसकी वजह से राजा परेशान था। अब राजा तो राजा है, राजा ने क्या किया था, राजा ने ऑस्ट्रिया प्रुशिया के साथ मिलकर क्या करने की कोशिश की थी, नेशनल असेंबली को हटाने की कोशिश की थी। लेकिन जब नेशनल असेंबली को हटाता उससे पहले नेशनल असेंबली ने क्या कर दिया था, वॉर स्टार्ट कर दिया था, किसके खिलाफ, ऑस्ट्रिया और प्रुशिया के खिलाफ। ध्यान है? उसके साथ साथ क्या हुआ, जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने कहते सपोर्ट किया था किसमें, उस वॉर में। साथ ही साथ जो लोअर स्टेटा के लोग थे वो जो लोग भी किस चीज़ की डिमांड कर रहे थे, वोटिंग राइट्स की डिमांड कर रहे थे कि हमें भी क्या मिलने चाहिए, वोट्स मिलने, वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद में क्या हुआ, वोट कर रहे थे, इसलिए क्लब बनना स्टार्ट हो गए। क्लब्स में हमने जैकोबिन क्लब्स के बारे में देखा कि जैकोबिन क्लब्स क्या था, जैकोबिन क्लब्स के बारे में अंदर हम लोगों ने देखा कि जैकोबिन क्लब्स का हेड कौन था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था, उसके अंदर कौन से लोअर स्टेटा के लोग आया करते थे। क्लियर? ये सब कुछ हमने देखा था। आगे हमने देखा कि कैसे नेशनल असेंबली को हटा दिया गया था, वहाँ पर कन्वेंशन ला दी गई थी, कन्वेंशन के बारे में मैंने बताया था आपको, कन्वेंशन में किसका रूल था, कैसे एक फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, से क्या बना एक रिपब्लिक कंट्री बन गया था, और रिपब्लिक कंट्री बनने के बाद उसमें रूल किसका आ गया था, कन्वेंशन का, कन्वेंशन का हेड कौन था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। फिर हम लोगों ने देखा था कि कैसे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने स्ट्रिक्टली रूल करना वहाँ पर स्टार्ट कर दिया, सारी चीज़ों पर बाउंडेशंस लगा दी थी, और उसकी वजह से लोग उसको क्या करने लगे थे, नफरत करने लगे थे, और आगे चल के क्या हुआ, उसको ही मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को ही क्या कर दिया गया था, एग्जीक्यूट कर दिया गया था। फिर हम लोगों ने देखा कि जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया गया, तो वहाँ पर अनस्टेबल पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई, वैक्यूम हो गया। उस वैक्यूम का फायदा किसने उठाया, वेल्थियर मिडिल क्लास ने उठाया, और वहाँ पर क्या रूल लागू कर दिया, डायरेक्टरी रूल वहाँ पर लागू कर दिया। अब जो लेजिस्लेचर काउंसिल थी वो डायरेक्टरी को चूज करती थी, और उनके बीच में क्या होती थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रहती थी, जिसका फायदा किसने उठाया, नेपोलियन बोना पार्टी ने। तो ये स्टोरी थी वो यहाँ पर पूर्ण तरीके से क्या हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे जो हम आगे की 3 वीडियोस देखेंगे, हम वुमेन्स के बारे में देखेंगे, स्लेव्स के बारे में देखेंगे, और एवरीडे लाइफ के बारे में देखेंगे वहाँ के फ्रांस की, तो वो एक सेपरेट सेक्शन है इस चैप्टर का। क्लियर है? जो स्टोरी थी इस सेक्शन की, इस चैप्टर की, वो यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। लास्ट वीडियो के अंदर मैं आपको नेपोलियन बोनापार्टी के बारे में पढ़ाएंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, तो वुमेन्स का क्या पार्टिसिपेशन रहा इस पूरे रिवोल्यूशन में। क्लियर है?